हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाबा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेक्सोल का 3 इंच थर्मल प्रिंटर। इसका मॉडल नंबर है आपको RTP82UE। देखिए, हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे और ये इनवॉइस है जो इसके साथ आया था बॉक्स में। फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं। और ये है रेक्सोल का मिनी प्रिंटर। आप इसमें 2 इंची और 3 इंची दोनों प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, इसे फटाफट से ओपन करते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा आपको सीडी मिलेगा, इसमें सॉफ्टवेयर रहता है। और इसके अंदर एक जो रोल है उसका स्टैंड है, और एक पावर केबल है जो आपको एडाप्टर में लगेगा। ये देखिए, ये इसका एडाप्टर है प्रिंटर का। और इसके अंदर एक USB केबल है जो आपको प्रिंटर और CPU से अटैच होगा। और एक छोटू सा थर्मल पेपर 3 इंची का रोल दिया गया है, आप देख सकते हैं। सेम ये देखिए, 3 इंची आपको बढ़िया से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, 3 इंची का है। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। इसके अंदर और कोई भी डिवाइस नहीं है, बस एक प्रिंटर है। इसको बाहर निकाल लिए हैं। और इसका जो बॉक्स है इसको साइड में रखते हैं, क्योंकि बॉक्स का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हैं आप। प्रिंटर का जो पन्नी है, पहले उसको हम हटाते हैं, उसके बाद आपको प्रिंटर दिखाते हैं। पहले कट करके हटाते हैं इसको प्लास्टिक। देखिए, ये है हमारा रेक्सोल का 3 इंची थर्मल प्रिंटर। ज़्यादा वेट नहीं है, नॉर्मल वेट है। यहाँ पर ऊपर में आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा, और यहाँ पर एक फीड का बटन है, और फिर पेपर है, और ईरर, और एक पावर का लाइट है यहाँ पे, देख सकते। और यहाँ पे नीचे में एक स्विच है पावर ऑन ऑफ का। और पीछे के साइड में आपको एक पावर के लिए मिलेगा जो है कोड है, और एक आपका है जो कि जो कनेक्ट होगा USB, और एक कैश ड्रॉअर के लिए। और इस साइड में आप देख सकते हैं आपका जो प्रिंटर का मॉडल नंबर वगैरह है यहाँ पे। और उसके नीचे एक लॉक है, ये ओपन करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, किस चीज़ के लिए है इसे के बारे में हमें पता नहीं है। और ये जो है एक बटन है जिसे आप ओपन कर सकते हैं पेपर रोल डालने के लिए। देखिए, पुश किया, निकल गया। एक बार फिर पुश करते हैं यहाँ पर, देखिए, पुश किया, निकल गया बस। और इसके अंदर एक रोल है जो ये थर्मल प्रिंटर है उसका टेस्टिंग किया हुआ है, किस प्रकार से आपका प्रिंट आएगा, देख सकते हैं आप। पेपर का और जो पेपर में जो प्रिंटिंग है बहुत अच्छा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका जो है प्रिंटिंग क्वालिटी किस प्रकार से देता है ये रेक्सोल का। मैंने ये प्रिंटर जो है 4,950 रुपया का लिया था अमेज़ॉन से। मैं इसका जो बेस्ट बाय लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, जो पेपर रोल डाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसका जो पेपर का जो प्लास्टिक है उसको हटा लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से है। इसमें गुल्ली जो आया था PVC का, वो डाल देते हैं इसमें। और इसमें ये लॉक कर दिया, और कुछ करना नहीं है, बस प्लग एंड प्ले है। आप इसमें
एक ड्राइवर आता है रेडसोल का, वो आपको इंस्टॉल करना है और फिर यूज करना है। आप सीडी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो किसी भी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में नहीं आ रहा है सीडी डीवीडी। सो मैं आपको ड्राइवर का भी लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम इसमें पावर जो है दे करके और पेपर ऊपर करके आपको दिखाएंगे फीड करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा इसका प्रिंटिंग क्वालिटी है वगैरह। ठीक है, इसमें अब जो पावर केबल का जो कोड है उसमें मैं डाल देता हूँ। इसमें थ्री अंदर जो है थ्री पिन है, ठीक है, उसको आपको ध्यान से देख करके डालना है। उसमें ढांचा बना हुआ रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। ये देखिए सेट हो गया। और इसको जो है हम पावर बोर्ड में डाल देते हैं और इसे ऑन करते हैं। देखिए इसमें हम पावर डाल दिए, इसे हमने ऑन कर दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं पावर का जो बटन है वो ब्लू कलर का जो वो जल रहा है। देखिए देख सकते हैं आप, और इसको फिर दबाते हैं तो ये पेपर जो है निकलने लग गया, यानी कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए इसको निकालते हैं और इसको पेपर को फिर से हम अंदर कर देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं, इसको फाड़ के हटा देते हैं। देखिए इसको फिर दबाते हैं, वो हल्का सा बाहर निकला, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।